इस काम से मैं अपने सेमेस्टर की फीस भी मैं निकाल चुका हूँ, थोड़ा सा अपना खर्चा भी खुद निकाल लेता हूँ और हो सके तो घर में सपोर्ट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद काजिम और आज मैं जो हूँ ना रेक्स बाज़ार में मौजूद हूँ, रेक्स सेंटर के अंदर। यहाँ पे जो है वो होलसेल का बिज़नेस होता है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। अगर आप अपना ई कॉमर्स बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कौन कौन से आइटम्स किस किस प्राइस रेंज के अंदर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ना यहाँ पे एक हुडी दिखाता हूँ, देखें ये एक हुडी है, मस्टर्ड कलर का है हुडी, फ्लीस फैब्रिक है इसका। और ख़ास बात ये है कि ये 650 की दे रहा है, ठीक है, होलसेल में। तो अगर आप रिटेल लेंगे तो अगर 20 पीस लेंगे तो ये आपको 550 में देंगे। अब ये आपके ऊपर है कि जो है वो आप जो है वो इसको किस प्राइस में बेचें, कम में 800 में बेचें, 1000 में बेचें, 1500 में बेचें। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक हुडी है, ये वाली, और ये भी जो है वो फ्लीस फैब्रिक है, और ये लग रहा है ये हिमा का लेबल भी लगा हुआ है, और ये जो मिल रहा है ये आपको मिल रहा है 400। अब इसमें जो है 400 की ये हुडी है और ये वुमेन्स स्टाइल है। ये इसकी क्या प्राइस है स्वेट शर्ट की? ये 200 रुपये की। अच्छा, ये स्वेट शर्ट जो प्राइस है ये 200 है, और ये फैब्रिक लाइट फैब्रिक है लेकिन टेरी है, जर्सी है, टेरी लाइट टेरी है। अब जैसे कि ये देखेंगे यहाँ पे कुछ हुडीज़ पड़ी हुई हैं, ये मीडियम साइज़ है, हाँ रख दो उसका नहीं। तो ये देखें, ये एक ब्लू में है और ग्रे में है, वाइट में है, फैब्रिक जो है वो फ्लीस है लेकिन लाइट फ्लीस है, बहुत ही लाइट फ्लीस है। और ये होलसेल में, रिटेल में ये लोग 550 देते हैं, होलसेल में जो है ना 450-500 के अंदर दे देंगे आपको। और अगर इस तरीके से और ऑनलाइन जो है वो आपको बेचनी है तकरीबन 800-900-1000 जैसा आपका कस्टमर हो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है ना, कोई ब्रांड वगैरह है, लोकल ब्रांड लिखा हुआ है, AG लार्ज साइज़ है। ये इस तरीके से लार्ज मीडियम वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शर्टें वगैरह भी पड़ी हुई, ये भी आपको 200 प्लेन बिल्कुल शर्ट है, और ये 200 और 250 रुपीज़ की ये शर्ट है, एक अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल क्वालिटी है, आप उसको 500 तक ऑनलाइन आप उसको सेल कर सकते हैं। मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है और उस पर मैं क्लोथ अपेयरेंस वगैरह बेचता हूँ, हुडीज, टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स। मैंने 500 की एक हुडी ली है, सही है, इस पर मैंने प्रिंट करवाया अरमानी एक्सचेंज का, और ये प्रिंट और ये हुडी इसी कॉस्ट में मोर देन 500-600 पड़ गई, सही है। और ये आगे मैं बेचूँगा मोर देन 1000, और डिलीवरी लगा के 1200 तक की ये बिक जाएगी आगे। आप मार्केट में रेक सेंटर आते हैं, थर्ड फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, सही है, आप यहाँ पर आएंगे, आप शॉप पे रीच करेंगे, वो आपको ब्रॉडकास्ट नंबर देंगे व्हाट्सएप का, उस पर बेसिकली वो तस्वीरें प्रोवाइड करते हैं, सही है, और तस्वीरें प्रोवाइड करते हैं वो। अब स्टिकर्स की दुकान पे वो स्टिकर सारे प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई क्लोथिंग का मतलब गारमेंट्स की शॉप है तो वो आपको सिर्फ कपड़ों, सिंपल प्लेन टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, ट्राउज़र्स, ये सारे प्रोवाइड करेंगे, और उसको आप एडिट करके अपने अंदाज में ग्राफिक डिज़ाइन में आप अपलोड कर सकते हैं। ये स्वेटशर्ट है, सही है, 400 की स्वेटशर्ट, 50 का स्टिकर, सिंपल 450, सही है। और आगे मुझे इस पर कॉस्ट 50 पेट्रोल की भी लगा दो, 500 रुपये की मुझे ही पड़ गई, सही है। आगे मैं बेचूँगा ट्रैक्स वाले, ट्रैक्स में आप अकाउंट खुलवाएं, सही है, शारे फैसल पे उनका हेड ऑफिस है, वहाँ पर आप अकाउंट खुलवाएं और ट्रैक्स वाले आके आपसे, आपके घर से सामान उठाएंगे और जाके डिलीवर करेंगे। मार्केटिंग के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से ऐसा होता है कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं बूस्ट लगाता हूँ। आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं आप कम की बूस्ट लगाएं, सच एस 800, सही है, 800 पे आपको 1500 व्यूअर्स मिलेंगे, सही है, जो लाइक शेयर वगैरह वो सब करेंगे, और 5 दिन के लिए होगी 800 रुपये की, सही है। अब जैसे मैं 800 रुपये की लगाता हूँ तो उस पर 1500 व्यूज़ आते हैं, और उसमें मेरे 10 से 12 ऑर्डर आ जाते हैं, सही है, बूस्टिंग के बगैर और प्रमोशन के बगैर मुश्किल से 1-2 आते हैं। अब ये स्टिकर है, सही है, ये स्टिकर जो है अगर आपको शॉप पर प्रोवाइड नहीं कर रहा कोई तो आप इसको AI इलस्ट्रेटर पे प्रिंट करवा बना सकते हैं, सही है, इलस्ट्रेटर पे, और यहाँ पर आके दुकान में वो आपकी इलस्ट्रेटर फाइल लेंगे और वो प्रिंट कर देंगे। अगर आपको इलस्ट्रेटर भी यूज़ करना नहीं आता, वो आप यहाँ पर आके उनको वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर देंगे और ब्लैक बैकग्राउंड में तस्वीर देंगे, इट्स योर चॉइस, और यहाँ पर आके वो खुद चेंज करेंगे, वाइट बैकग्राउंड हटा देंगे, ब्लैक बैकग्राउंड हटा देंगे, वेक्टर बन जाएगी, और वो वेक्टर बन के सिंपल प्रिंट होगी और ये प्रीव्यू होगा उसका। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे रैक्स में ना तला गारमेंट्स पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ से हुडियाँ खरीदते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं और प्रिंट करा के बेचते हैं।
500, 550, 600 की तकरीबन जो है वो हुडियाँ मिलती है। होलसेल में क्या करते हैं कि यहाँ पे हुडियाँ खरीदते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं, 1000 से 1200 तक की ऑनलाइन बेचते हैं। अच्छा, ये इसका एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि ऑनलाइन किस तरीके से बेचना है, एड्स कैसे चलानी है। अच्छा, इसके जो है वो 4 स्टेप्स हैं। पहले तो ये कि आपके पास स्टॉक लेना है, स्टॉक लेने के बाद स्टॉक को मैनेज करना है, फिर स्टॉक को बेचना है, फिर स्टॉक को उस कस्टमर तक पहुँचाना है। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्टेप है। ऑब्वियसली एक दिन के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं आ जाएगी, तो इसके लिए मैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ। उस सीरीज़ का नाम है हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। ये पूरी की पूरी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे चैनल के ऊपर IT के चीते, जो कि यूट्यूब पर मौजूद है। वहाँ पर ये पूरी की पूरी सीरीज़ ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान किस तरीके से करते हैं। टिकटॉक पर वक्त ज़ाया करने से अच्छा है कि कोई चीज़ सीख लिया जाए और उससे कुछ पैसे कमाए जाए। अच्छा, ये वाला जो जिपर है ये कितने का है? ये 550 का है। अच्छा, 550 रुपये का। 500 रुपये की मिलेगी, 500 का मिलेगा, 550। ये भी स्वेटशर्ट आपको 400 की मिलेगी। स्वेट शर्ट 400 रुपये की है, ठीक है। ये भी 500 की है। 1250 रुपये का। अच्छा, ये ट्रैक सूट जो है वो 1250 रुपये। टी शर्ट 200 की। पैनल वाली जैकेट है, ये सारी 550 रुपये। ये भी 550 रुपये की, ठीक है। ये वाला ट्रैक सूट चारकोल वाला, ये भी 750 का।